चंद्रयान 2 के जरिए कामयाबी के झंडे गाड़ रहा इसरो देश के बाहर लगातार अपने ग्राउंड स्टेशन और कमांड सेंटर्स बनाने में जुटा है। इसके लिए मोदी सरकार भी मुहर लगा चुकी है। इसरो ने इस काम के लिए सबसे पहले अपने पड़ोसी और जिगरी दोस्त देशों को चुना है। भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश और श्रीलंका में 5 बड़े ग्राउंड स्टेशन और 500 छोटे टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। इससे क्षेत्रीय सहभागिता के अलावा पड़ोसी देशों में ट्रैकिंग और रिसीविंग सेंटर्स बनाने से भारत को बड़े फायदे होने वाले हैं। इन स्टेशन्स और टर्मिनल्स की मदद से टेलीविजन ब्रॉडकास्ट से लेकर फोन, इंटरनेट, आपदा प्रबंधन और टेलीमेडिसिन जैसे एप्लीकेशन किए जा सकेंगे। इसरो इन ग्राउंड स्टेशन्स की मदद से अपने सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकेगा, साथ ही उनको कमांड भी दिए जा सकेंगे। इनमें से सबसे पहला ग्राउंड स्टेशन भूटान की राजधानी थिम्पू में बन चुका है। भारतीय कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी ने प्रोजेक्ट को पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ग्राउंड स्टेशन से जुड़े 100 वीसैट बनाए गए हैं, जिससे भूटान के दूरस्थ इलाकों में टीवी ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा पहुंच सकेगी। थिम्पू में भारत का ग्राउंड स्टेशन तिब्बत में चीन के सैटेलाइट ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जवाब में तैयार किया गया है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भी खड़ा किया जा रहा है। इसरो चेयरमैन K7 के मुताबिक विदेश मंत्रालय और इसरो इस मिशन को लेकर बहुत गंभीर हैं। आपको बता दें कि इसरो भारत के जिगरी दोस्त रूस की राजधानी मॉस्को में भी अपना सेंटर स्थापित करने वाला है। इसरो मॉस्को में ITLU यानी इसरो लाइजन टेक्निकल यूनिट स्थापित कर रहा है। यूनिट रूस और पड़ोसी देशों में पारस्परिक तालमेल के लिए अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के साथ सहयोग करेगी। ये यूनिट अंतरिक्ष से जुड़े कार्यक्रम की तकनीक और रिसर्च के लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन करेगा। आपको बता दें कि इसरो लगातार ताबड़तोड़ स्पेस कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें चंद्रयान, गगनयान, आदित्य L1 और स्पेस स्टेशन बेहद खास है। इस कार्यक्रमों के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले यान को ट्रैक करने और उसे कमांड देने के लिए धरती के हर हिस्से में सेंटर्स की जरूरत होती है। भारत के फिलहाल देश के बाहर मॉरिशस, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के बियात में ग्राउंड नेटवर्क स्टेशन और डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशन है। चंद्रयान 2 के लिए भी नासा और बाकी एजेंसियों के ग्राउंड स्टेशंस की मदद ली जा रही है, जिनके जरिए चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने के लिए कमांड दिया जा रहा है और उसे हर पल गाइड किया जा रहा है। लिहाजा बड़े अंतरिक्ष मिशन के लिए दुनिया के कोने कोने में इसरो सेंटर बेहद खास साबित होंगे। आपको बता दें कि चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा के जवाब के तौर पर भी इसरो की इस योजना को देखा जा सकता है, क्योंकि चीन ने तिब्बत में सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड डेटा रिसेप्शन सेंटर भी बनाया हुआ है। भारतीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चीन ने यह सेंटर बनाया है। चीन के इस कदम का जवाब देने के लिए अब भारत भी तैयारी कर रहा है। इसरो चीन के जैसे सेंटर्स अपने पड़ोसी देशों में स्थापित कर रहा है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से 125 किलोमीटर की दूरी पर तिब्बत के नगारी में सेंटर बनाया है। ड्रैगन का ये सैटेलाइट ट्रैकिंग सेंटर बेहद आधुनिक है। बताया जा रहा है कि चीन का ये सेंटर बेहद आधुनिक है और ये न केवल भारतीय सैटेलाइट्स को ट्रैक करने में सक्षम है, बल्कि उन्हें ब्लाइंड भी कर सकता है। मतलब ये हुआ कि तिब्बत में अपने सेंटर की मदद से चीन के पास ऐसी तकनीक भी मौजूद है कि वो भारतीय सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंक सकता है। ऐसे में भारत को भी एक हाईटेक सेंटर की जरूरत है। इसरो का भूटान में ग्राउंड स्टेशन न केवल इस पड़ोसी को साउथ एशिया सैटेलाइट का लाभ पहुंचाने के लिए स्थापित किया गया है, बल्कि तिब्बत में चीन के स्टेशन के मुकाबले रणनीतिक तौर पर संतुलन साधने में भी काम आएगा। वहीं बाकी पड़ोसी देशों में बनाए गए सेंटर्स इसरो को ट्रैकिंग में बेहद मददगार साबित होंगे।